देखो थोड़ा लेक्चर मिस हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, कट हो गया था। अगेन रिपीट करता हूँ, 48 आवर काम करता है, उसमें 45 आवर काम करता है। 48 आवर में से 45 आवर काम करता है, जिसमें 4 टाइम ओवर टाइम है, 4 आवर ओवर टाइम है। इसका मतलब 48 में से 45 घंटे काम करता है, तो 3 आवर एबनॉर्मल टाइम होगा, आइडल टाइम होगा। अब आइडल कुछ भी हो सकता है, आइडल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, वो देखेंगे सम पे। तो सम में दिया है कि वो 3 घंटे मशीन टूट जाने के वजह से थे। किसके वजह से थे? मशीन टूट जाने के। अगर मशीन टूट जाने के वजह से कुछ होता है तो उसको बोलेंगे अपने एबनॉर्मल। क्लियर? अब फॉर्मेट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस और कॉस्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग इफेक्ट। तो कॉमन है, कितने घंटे काम कर रहा है? पूरे 45 आवर। तो नॉर्मल वेज 45 आवर, 30 रुपये पगार 1 कलाक का, तो कितना हुआ? 1350। ओवर टाइम कितना करा है? लिख के दिया हुआ है 4 आवर ओवर टाइम। तो 4 आवर मल्टीप्लाई बाय 15। 15 कहाँ से आया? तो सब में दिया था कि 30 रुपये पर आवर और ओवर टाइम 50%। तो 30 रुपये के 50%, 30 रुपये ओवर, 30 रुपये पर आवर, 50% ओवर टाइम। तो ओवर टाइम से कितने रुपये ज्यादा मिले? 15 रुपये। तो 4 आवर इंटू 15 इज इक्वल टू 16। ना आइडल टाइम कितने घंटे था? 3 आवर था। तो 3 आवर मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितने रुपये आए? 90। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? टोटल वेजिस रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट। चलो कितना आता है? 1350 प्लस 90 प्लस 60, कितने रुपए रिकॉर्ड होगा? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगी? तो देखो एबनॉर्मल वेजीज है, तो इसकी थियरी तो मैंने आगे बताया ला, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जो ओवर टाइम बताया वो किसके लिए बताया है? प्रोडक्शन के लिए। अगर यहाँ ऐसा होता कस्टमर डिमांड है तो कस्टमर में ऐड करते, ये थियरी पे डिपेंड है। यानी जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से थियरी लिखी जाएगी। चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये नॉर्मल वेजेस है तो इसको अपने क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस। क्लियर? एक और सम कराता हूं ताकि आपको डाउट्स प्रॉब्लम्स क्लियर हो। देखो सम नंबर 27 पढ़ो, आप पढ़ लो, पूरा सम पढ़ लो। एन एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड ऑफ अ वर्कर ऑन अ मशीन सो दैट आउट ऑफ 48 आवर वर्कर वर्क 44 आवर इंक्लूडिंग 4 आवर ओवर टाइम। यानी 44 घंटे काम करता है, यानी 4 घंटे काम नहीं करता। 2 आवर वॉज आइडल टाइम ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। देखो समझो, 48 घंटे दिए सम में, 48 आवर दिए, 44 आवर काम करता है इंक्लूडिंग 4 आवर ओवर टाइम। 44 तो हो गए। अब बता दिया है कि 2 आवर कैसा है, 2 आवर कैसा है? आइडल टाइम है। कैसा है? आइडल टाइम है। कैसा है? आइडल टाइम है। तो कॉमन है 44 प्लस 2 46, तो दूसरे 2 आवर कैसे हो गए? कैसे हो गए? नॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारे दोनों दो एबनॉर्मल भी लगेगा और नॉर्मल भी लगेगा। तो एबनॉर्मल कैसे? वो तो बता दिया, मशीन टूटने के वजह से है, स्पेसिफाई कर दिया है कि मशीन बिगड़ने के वजह से। तो बचा कुचा 2 ओवर कौन सा होगा? बचा कुचा 2 ओवर कौन सा होगा? नॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर? अब ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सोल्व आउट करना है। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या दिया है? 150 रुपये पर आवर, अगर वर्कर एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना मिलेगा? 50% ओवर टाइम। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, जैसा आपने ऊपर चार्ट बनाया था सेम टू सेम चार्ट अपने नीचे भी तैयार कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर। तो देखो नॉर्मल वेज,
कितने घंटे काम करा है? 44 आवर। भाव तो देखो, नॉर्मल वेज कितने घंटे काम करा है? 44 आवर। भाव क्या चल रहा है? 150। 44 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना आया? 6600। क्लियर। अब उसके बाद आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना दिया है? 4 आवर। सर 75 कहाँ से लाए? 75 कहाँ से लाए? तो सीधा बताया था, 150 पगार है, ओवर टाइम का 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 50% एक्स्ट्रा कितना आया? 75। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4, 300। अब उसके बाद तुम्हारा आइडल टाइम आया। पहला है एबनॉर्मल, जो मशीन के वजह से हुआ, मशीन के वजह से हुआ, तो 2 × 150। ने दूसरा जो है वो कौन सा है? नॉर्मल, जिसके बारे में सम साइलेंट है, जिसके बारे में सम साइलेंट है। क्लियर। देख लो 48 आवर हो गए, इसको नहीं गिनने का। 44 + 2 = 46, 46 + 48 बराबर। चलो प्लस कर लो, कितना आता है? 6600 + 300 + 300 + 300, तो तुम्हारा कितना आया? 7500। अब अकाउंटिंग इफेक्ट क्या? नॉर्मल है तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। ओवर टाइम बाद में देखते हैं। एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मल है तो कहाँ जाएगा? चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब तुम थियरी पॉइंट पे जाओ, अब तुम थियरी पॉइंट पे जाओ, तो थियरी पॉइंट में बताया कि यहाँ पे जो तुम्हारा ओवर टाइम है वो किसके वजह से? सीजनल डिमांड के वजह से। किसके वजह से? तो पेम्पलेट में जाके चेक करो कि अगर सीजनल डिमांड होती है, सीजनल डिमांड होती है तो कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में एडजस्ट किया जाएगा। कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। आपको थियरी फर्ज है, विदाउट थियरी आप कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा सम नंबर 27 था। 28 नंबर का सम भी आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर। जस्ट गो टू द थियरी, जस्ट कंप्लीट द थियरी, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।